नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के उन सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो छात्र 11th में एडमिशन कराने के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। दोस्तों मैं हकीकत बताऊं तो अभी तक किसी भी बंदे को ये नहीं पता है कि प्रथम मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा और ना ही दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आप लोग को कोई सूचना दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट आया है ना, इस अपडेट को अगर आप लोग देखते हो ना तो आप भी उम्मीद हटा बैठोगे कि हम एडमिशन कराएं। आप सोचोगे कि चलो एडमिशन तो हो नहीं रहा, चलो हम लोग गाँव चलते हैं, खेती बाड़ी करेंगे, आराम से वहीं पर ज़िंदगी बिताएंगे। दोस्तों बहुत ही ना ये मतलब ना अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों हम लोग हार नहीं मानेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और मेरिट लिस्ट का लिंक चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहीं से आप लोग अपना मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उसी के बीच में ये अपडेट जो निकला है ना वो बहुत ही दुखमयी मतलब ना ये अपडेट है। बताया गया है कि बिहार बोर्ड की शिथिलता से मैट्रिक पास 60,000 से अधिक छात्र परेशान। मतलब कि इस बार बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र मैट्रिक में पास आउट हुए थे और वे सभी स्टूडेंट इंटर में नामांकन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पहला कारण ये है दोस्तों, एक तो दोस्तों जून महीने में ही सभी विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट हर बार जारी कर दिया जाता था, लेकिन इस बार जुलाई आ गया, कोई सुनवाई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरिट लिस्ट एक नहीं तीन तीन को जारी किया जाता है और एक मेरिट लिस्ट के लिए कम से कम 20-15 दिन का समय दिया जाता है। तो इस प्रकार तीन जारी किया जाए मतलब कि 1.5-2 महीना इसमें लग जाएगा। ये आपका किसका महीना है, जुलाई का महीना है, तो जुलाई खत्म अगस्त सितंबर बचेगा 3 महीना। 3-4 महीने में क्या आप घंटा पढ़ पाओगे 11th? नहीं पढ़ पाओगे। उसी में मंथली एग्जाम हर महीना हो रहा है, कभी टाइम टेबल आपका भी जारी कर दिया जाता है तो कभी नहीं जारी किया जाता है। ये खिलवाड़ हो रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है ना। ये सिंपल मैं बताऊँ, अभी आप देखिएगा ना बहुत सारा अपडेट निकल कर आया है। यहाँ पर खुद बता दिया गया कि नामांकन की प्रक्रिया अगस्त महीने तक चलती है, इस बार इसके और खींचने की संभावना है, मतलब कि इस बार और आगे जाएगा, मतलब हर बार अगस्त तक चलता है लेकिन अब तो लगता है सितंबर नवंबर तक चला जाएगा। दोस्तों चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। ये देखिए ये भी खतरनाक अपडेट है, मतलब कि 10+2 में इग्रामी के छात्रों बिना नामांकन वर्ग संचालन का दिया निर्देश, ठीक है। अब ये देखिए ये जो आपका है ये 12th क्लास के छात्रों के लिए, यानी कि इसी महीने में जो 12th क्लास के छात्र हैं उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है 27 तारीख के दिन, और अभी तक आप लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। तो आप लोगों का काम करेगा या फिर 12th क्लास के छात्रों का काम करेगा? अभी तो 9th क्लास के स्टूडेंट के जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब फिलअप कर रहा है बिहार बोर्ड, और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो हमको नहीं लगता है कि उस टाइम भी आपका मेरिट लिस्ट आएगा। हो सकता है कि उस टाइम इग्रामी के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दे, उसके बाद से 12th का रजिस्ट्रेशन डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दे, 10th का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दे। 1-1.5 महीने में काका करेगा काका नहीं करेगा हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल में दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी किसी को कुछ पता होता नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अपडेट आएगा मैं आप सबको बताते रहूँगा, आप लोग चिंता मत करिए। इसी वीडियो को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहाँ से आप मतलब अपना नामांकन का लिस्ट चेक कर सकते हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मैं आपको एक बार फिर से दोस्तों बता देता हूं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउजर ओपन कर लीजिए, यहां पर सारा अपडेट सब चीज आपको यहां पर पता चल जाएगा। चेक करने का लिंक भी आपको यहीं पर दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिए और देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने गूगल ब्राउजर ओपन किया, आप लोग भी गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना, सर्च बार में यहाँ पर आकर सर्च करना studyplusofficial.com, studyplusofficial.com ऑलरेडी हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पर सभी आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप लोग studyplusofficial.com लिख कर सर्च करते हो ये पेज ओपन होगा। अब इसमें दोस्तों इधर आपको 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, कोना में 3 लाइन का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक एजुकेशन न्यूज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग दोस्तों फाइनली क्लिक कर, और उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो A to Z आपको जानकारी दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया। नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाइएगा तो यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया, चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में आपको बता दिया गया, और जो आपको लिंक मिलेगा यहाँ पर दोस्तों मिल सकता है ऑफिशियल लिंक है, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप सब चीज़ का आपको लिंक दिया गया। क्लिक करिएगा तो आपका पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से जो भी मांगेगा आप लोग भर कर अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग हर एक अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल पर
बने रहिएगा, ठीक है ना। और जैसे ही दोस्तों इसके बारे में कोई भी सूचना आता है मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा और यहीं से आप अपना चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। और सब जो सबसे पहले जारी होगा तो मैं आपको ही बताऊँगा, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन अच्छे से दोस्तों आप लोग ना अभी अपना पढ़ाई जारी रखिए। जो भी आप लोग स्कूल में तो पढ़ने नहीं जाते होंगे, लेकिन ऑनलाइन या फिर ट्यूशन कोचिंग मतलब ये तो पढ़ाई तो आप लोग स्टार्ट कर ही दिए होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अभी लोग अभी तक आप लोग बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ी तो जरूर रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है।